हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। बात करेंगे आज की वीडियो में हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की, और जिसके अंदर लास्ट क्लोजिंग में हमें देखें तो 2 रुपये के आसपास की गिरावट रही, 845 रुपये स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। रिसेंटली जो है ये स्टॉक काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि अशोक सूटा जो है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, सबसे ज़्यादा होल्डिंग इन्हीं के पास है, उन्होंने अपना जो है स्टेक सेल करने की घोषणा की थी। और अब उसका डाटा भी सामने आ चुका है कि कैसे कुछ नंबर्स जो हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिल रहे हैं, और आईटी सेक्टर की एक आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी, क्योंकि एक मिड कैप साइज कंपनी है ये अभी, और इसके पास एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अभी फिलहाल की कंडीशन में देखने को मिल रहा है। लास्ट क्लोजिंग 847 रुपये पर थी। 5 दिन की बात करें तो 1% के आसपास के रिटर्न्स बनाकर दिए, जबकि 1 महीने के अंदर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 9% तक करेक्ट हुआ है। अभी Q2 के नंबर्स हालांकि आने बाकी हैं, कैसे कुछ नंबर्स हैं वो भी देखेंगे, और अगर 6 महीने का डाटा देखें तो 5.56% के आसपास की ग्रोथ जो है बीते 6 महीने के अंदर हमें स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। 1 साल की बात करें तो 14% की करेक्शन है। इस बीच में अगर आप देखें तो यहाँ तक स्टॉक आ गया था 760 तक, 760 से गया 1000, और 1000 से फिर आया है करेक्शन में, और यहाँ पे 1000 से ही करेक्शन में आके एक दोबारा से रिकवरी दिखाई थी और दोबारा से करेक्शन रही है स्टॉक में। 5 साल का डाटा देखें तो 135% है, जबकि कंपनी को लिस्ट हुए 5 साल नहीं हुए हैं। 358 रुपये पे 18 सितंबर 2020 को एक कंपनी लिस्ट हुई थी, और आज की डेट में 135% के रिटर्न्स के साथ में मौजूदा दिनों में 845 रुपये देखने को मिले। करेक्शन अच्छी खासी है, ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1500 रुपये के आसपास का है, और वहां से अभी तक जो है ऑलमोस्ट स्टॉक, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊँ तो 40-45% तक की करेक्शन में ये स्टॉक अवेलेबल है। मौका अच्छा है, कंपनी अच्छी है, मार्केट कैप सिर्फ 12,500 करोड़ का है, डिविडेंड 0.64% के आसपास देती है कंपनी, और 52 वीक हाई की बात करें तो 763 जो है लो देखने को मिल रहा है और 1028 का हाई देखने को मिला, और अभी 845 रुपये के आसपास ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर भी आ रहा है। डिविडेंड जो है कंपनी ठीक ठाक दे देती है, 3.40 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था 7वें महीने में। 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया था, 2 रुपये का एक बार, 2 रुपये का एक बार, और 2021 की बात करें तो 4.5 रुपये के आसपास का, 4.5 रुपये के आसपास का, यानी कि 4.75 रुपये के आसपास का जो है टोटल कंपनी की तरफ से इंटरिम डिविडेंड दिया गया था। ऐसे में अगर जून क्वार्टर के हम नंबर्स देखें जो लास्ट क्वार्टर के आए थे, 357 करोड़ का रिवेन्यू था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ था मार्च क्वार्टर के मुकाबले में, और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ था, तो एक्सपेक्टेड है कि Q2 जो कंपनी अब की बार पेश करेगी, सितंबर क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे हमें पॉजिटिव आते हुए नजर आ सकते हैं। लास्ट क्लोजिंग में क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो 51,245 शेयर्स थे, डिलीवरी की अगर बात करें तो 26,000 शेयर्स थे, ऑलमोस्ट 50% के आसपास की, 50% के आसपास की डिलीवरी जो है हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिली। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो देखिए नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी है, और मार्केट के हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल देखें तो 27.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 28.9% की देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार धीरे धीरे करके इंक्रीज जरूर हो रही है क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, और साथ ही साथ में अगर हम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी तरफ जाएं तो देखिए सितंबर क्वार्टर के अंदर जो है प्रमोटर्स का स्टेक जो है डिक्रीज हुआ है 53.24% से घटकर 51.35% हो चुका है, और यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेक यहाँ पे कौन होल्ड करता है, अशोक सूटा जो कि कंपनी के प्रमोटर हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, और उनकी जो होल्डिंग थी पहले थी जून क्वार्टर के अंदर 53.24% जो टोटल स्टेक था उसमें से 40.91%, और अब की बार 51.35% हो चुके हैं जो कि 39.45% तक हो चुकी है, और अशोक सूटा मेडिकल रिसर्च की तरफ से भी यहां पे 12.22 से घटकर 11.79 हो चुकी है, तो प्रमोटर्स का जो स्टेक है 53.24% से घटकर 51.35 हो चुका है। अब एफआईज का जो स्टेक है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं एफआईज का जो मुकाबला है वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मुनाफा बनाकर भी दे सकता है इस कंपनी के अंदर। डीआई का स्टेक इंक्रीज है, एफआईज का स्टेक इंक्रीज है Q2 के अपडेट से पहले, नंबर्स आने से पहले, और जो पब्लिक का स्टेक है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो यानी कि प्रमोटर्स ने जो माल बेचा सारा का सारा एफआईज, डीआईज और पब्लिक ने कैप्चर कर लिया है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3,000 से 4,000 तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक्स रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूँ। इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
कंपनी जो है अपने क्वार्टर के नंबर कब पेश करेगी, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग फॉर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज ऑन 17 अक्टूबर 2023 फॉर द पर्पज ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड भी मिलेगा और साथ में कंपनी अपने क्वार्टर टू के नंबर्स भी 17 अक्टूबर को पेश करने वाली है हैप्पीएस्ट माइंड। स्टॉक एनालिसिस अगर करें तो एनुअल रिवेन्यू जो है वो भी पॉजिटिव है, क्वार्टरली रिवेन्यू देखें तो भी पॉजिटिव है, एनुअल नेट प्रॉफिट देखें तो भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है हैप्पीएस्ट माइंड का, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। स्टॉक प्राइस जो है ऑलमोस्ट 14.82% तक जो है डिक्लाइन हुआ है, ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म रहा है इस सेक्टर के अंदर अगर बात करें तो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 55.27 है, डेप्ट टू इक्विटी लेस देन वन देखने को मिल रहा है 0.56 और रिटर्न ऑन इक्विटी 27.45% मोर देन 20% इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है, हालांकि प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। बात करें अगर अस्त्रल लिमिटेड की तो देखिए लास्ट क्लोजिंग हुई है 0.5% पॉजिटिव के साथ में, 1937 रुपए पे क्लोजिंग, जहां प्रीवियस क्लोजिंग 1927 रुपए पे थी। 5 दिन की बात करें तो स्टॉक ने 3.5% के आसपास की तेजी दिखाई है, जबकि एक महीने की अगर मैं बात करूं तो 1.52% के रिटर्न्स जो है एक महीने के अंदर 1.5% के रिटर्न्स है 29 रुपए की बढ़त, जबकि 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 33% के आसपास के रिटर्न्स जो है अस्त्रल लिमिटेड ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। 1 साल की बात करें तो 20% के रिटर्न्स है, 5 साल की बात करें तो 373% है, और अगर हम मैक्सिमम रिटर्न्स की तरफ जाएं तो स्टॉक ने अभी तक 46,000% के रिटर्न बना कर दिए हैं। जो हम पीवीसी पाइप जो घरों में यूज करते हैं पानी की, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती नजर आ रही है, और बहुत सारा इसका वास्ट एरिया है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बट ओवरऑल रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 46,000% के रिटर्न्स हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस चार्ट को 5 साल का कर दूँ तो करेक्शंस जो है बड़ी बड़ी आई है, जिस लेवल से गिरा इस लेवल पर फिर गया फिर गिरा और दोबारा से उसी लेवल पे पहुंचा, तो इस करेक्शन में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि इस सपोर्ट लेवल के आसपास स्टॉक था और यहां से रिकवरी दिखाई। देखिए किसी भी स्टॉक में ये नहीं होता कि मन उठा के कभी भी, देखिए बचा जरूर जा सकता है, रिटर्न्स अच्छे गेन करिए जा सकते हैं, बट लेकिन ये नहीं कि स्टॉक जब पीक पे हो 52 वीक हाई पे हो तो आप उसके अंदर बाइंग कर लें, लेकिन सपोर्ट पे जब स्टॉक हो तो मौका अच्छा होता है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार स्टॉक इस सपोर्ट पे आया और रिकवरी दिखाई है। अगर इन लेवल्स को मैं मार्क करूं तो 1200 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 1200 रुपए 1250 रुपए के लेवल से 1900 रुपए के लेवल, तो पर शेयर अगर आप देखें तो 700 के आसपास का प्रॉफिट तो ईयरली यहां पे आप लोगों को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ऑलरेडी ही 1800-1900 रुपए लेवल पे बाई किया है, यहां पे ही बाई किया हो, तो करेक्शन अच्छी खासी रही होगी और लॉस में भी हो सकता है आप लोगों ने सेल कर दिया हो। कंपनी की अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो अस्त्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड 1996 विद एन एम टू मैन्युफैक्चर प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इन द कंट्री। इट हैज़ ऑल्सो फोरेड इनटू एडहेसिव बिजनेस ओवर ईयर्स। कंपनी का मार्केट कैप 52,000 करोड़ का, रिटर्न ऑन कैपिटल 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% की है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है स्टॉक ने पिछले सालों में भी, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। सीएजीआर की अगर बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स का 21% का देखने को मिल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो लास्ट क्वार्टर में 202 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे तो डिक्लाइन हुआ जबकि ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ था। 171 करोड़ से बढ़कर 202 करोड़ हुआ था और 300 करोड़ से घटकर 202 करोड़ हुआ था। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व जो है 2684 करोड़ के, कर्जा सिर्फ 87 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, प्रमोटर्स के पास 55.85% स्टेक है जून क्वार्टर के मुकाबले जो है हिसाब से देखें तो। एफआईएस का स्टेक इंक्रीज हुआ था, म्यूचुअल फंड्स का स्टेक डिक्रीज हुआ था और पब्लिक का स्टेक भी डिक्रीज हुआ, तो यानी कि प्रमोटर्स का स्टेक एज इट इज रहा था और एफआईएस का स्टेक इंक्रीज हुआ। जो माल डीआई ने और पब्लिक ने सेल किया वो सारा का सारा अस्त्रल लिमिटेड के अंदर एफआईएस जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। बात कर लेते हैं हम एचपी एडहेसिव लिमिटेड की, जिसकी लास्ट क्लोजिंग हुई 0.27% की तेजी के साथ में, 475 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। 6 महीने के रिटर्न्स देखें तो 30%, 1 साल के देखें तो 18% और अगर मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो 16% के रिटर्न्स है। लिस्टिंग डेट 31 दिसंबर 2021 और ऐसे में अब कंपनी की तरफ से स्प्लिट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। स्टॉक स्प्लिट जो है किस रेशियो में रहेगा, स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम ₹10 to ₹2, यानी कि 1:5 के रेशियो में स्प्लिट होगा, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो तो बदले में 5 शेयर्स आपको एचपी एडहेसिव के मिलेंगे। और एक्स डेट की अगर बात करें तो 9 नवंबर 2023, यानी कि 9/11/2023 को कंपनी यहां पे स्टॉक का स्प्लिट करेगी 1:5 के रेशियो में। अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया है तो स्प्लिट का फायदा आपको आने वाली 9 नवंबर को मिलता हुआ नजर आ जाएगा।